कविता, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक? किया है सर, नहीं रिकॉर्डिंग बता रहा है बट मुझे, मेरे को डिस्प्ले नहीं है, अब अभी स्टार्ट हुई है। चलिए भाई, तो सुजीत भाई आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई वीपीसी होता क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग वीपीसी यूज करते हैं, वीपीसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, चाहे वो अवेलेबिलिटी जोन है, सबनेट है, नेट गेटवे, राउटर, इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, वीपीसी के अंदर हम लोग सबनेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट के बाद हम लोगों ने इंटरनेट गेटवे डिस्कस किया था कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवे को वीपीसी के साथ कैसे अटैच करते हैं, रूट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और रूट टेबल के अंदर हम लोग एंट्री वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने अपने कस्टम वीपीसी के अंदर इंस्टेंस क्रिएट किया और उस इंटरनेट उस इंस्टेंस को हम सभी ने एक्सेस भी किया था। देखिए आज हम लोग जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, आज का हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले मैं एक वीपीसी क्रिएट करूंगा और उस वीपीसी के अंदर मैं दो सबनेट क्रिएट करूंगा, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, ठीक है। और इस प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंसेस को मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, क्लियर है, या प्राइवेट सबनेट के अंदर मैं इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा नेट गेटवे के द्वारा। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, यहां पर मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर, वीपीसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्विसेज के अंदर इधर मिलेगा नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी के अंदर वीपीसी, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। योर वीपीसी पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपका डिफॉल्ट वीपीसी आपको शो हो रहा है, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले आप वीपीसी नेम प्रोवाइड करो, जो भी आप वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं, इस वीपीसी को आप क्या CIDR ब्लॉक रेंज रखना चाहते हैं, 16 लेता हूं मैं, 10.00/16, बाकी एज इट इज रखिएगा, क्रिएट वीपीसी। ये वीपीसी 1 सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिसका मैंने आईपी वर्जन 4 CIDR ब्लॉक रेंज रखा 10.00/16। देन आप सबनेट्स पे चलिएगा। अब ध्यान से, अब मुझे दो सबनेट क्रिएट करने हैं वीपीसी 1 के अंदर, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। क्रिएट सबनेट पे क्लिक कीजिएगा, किस वीपीसी में सबनेट क्रिएट करना चाहते हैं, यहां से आप वीपीसी सेलेक्ट कीजिएगा, देन सबनेट नेम VPC-1-public-subnet, आप समझ गए होंगे नेम से ही। किस अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करना चाहते हैं, यहां से आप अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कीजिएगा। इस पब्लिक सबनेट के लिए आप CIDR ब्लॉक रेंज क्या रखना चाहते हैं वो आप यहां से डिसाइड कीजिएगा, जो कि हमारी कंडीशन में रहेगा 14 तो मैं ले ही नहीं सकता हूं। क्रिएट सबनेट, तो यहां पर हमारा पब्लिक सबनेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह मैं एक सबनेट और क्रिएट करूंगा सेम वीपीसी में और उसका नेम रखूंगा
vpc-1-private-subnet, इसे भी मैं 1a के अंदर ही क्रिएट कर लेता हूं। इसके लिए मैं रखूंगा /24 क्रिएट सबनेट। यहां पर कविता आप देख सकते हैं हमारा पब्लिक सबनेट भी क्रिएट हो चुका है, प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट हो चुका है, दोनों अवेलेबल कंडीशन में है, सेम वीपीसी में है और दोनों सबनेट के लिए मैंने CIDR वैल्यू क्या यूज की हुई है ये भी आप यहां से देख सकते हो। अब मैं इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूंगा, टैग vpc-1-igw, किसी भी नेम से आप ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट कीजिएगा, क्रिएट, और इसे मैं यहीं से देखो यहां से भी मैं अटैच कर सकता हूं, अटैच टू वीपीसी, बाकी आप चाहे तो वहीं से जाके भी अटैच कर सकते हो, एक्शन अटैच टू वीपीसी, दो तीन जगह से आप इसे इस इंटरनेट गेटवे को अपने वीपीसी के साथ अटैच कर सकते हो। क्लियर है? और आप यहां पर देख सकते हैं आपका इंटरनेट गेटवे वीपीसी 1 के साथ सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। अब हम लोग दो रूट टेबल क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट के लिए, एक प्राइवेट सबनेट के लिए। क्रिएट रूट टेबल vpc-1-public-root, then किस वीपीसी में क्रिएट करना चाहते हैं, वीपीसी 1 में क्रिएट रूट टेबल। इसी तरह आप जो है दोबारा से रूट टेबल पे जाइएगा, अगेन क्रिएट रूट टेबल, इस प्राइवेट रूट टेबल को भी मैं वीपीसी 1 के अंदर ही क्रिएट करूंगा। ये आप देख सकते हैं हमारी दोनों रूट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखो पब्लिक रूट टेबल के अंदर, पब्लिक रूट टेबल के अंदर हम लोग डिफॉल्ट रूट की एंट्री डालेंगे, इंटरनेट गेटवे की एंट्री डालेंगे और इस रूट टेबल को पब्लिक सबनेट के साथ एसोसिएट करेंगे। ये तीनों टास्क मैं अभी परफॉर्म करूंगा, तो पब्लिक रूट पे चेक मार्क कीजिएगा, सबनेट एसोसिएशंस पे जाइएगा, एडिट, और यहां से आपको कौन सा सबनेट सेलेक्ट करना है? पब्लिक। पब्लिक, करेक्ट। सेव। देन अगेन पब्लिक रूट को चेक मार्क कीजिए, रूट्स पर जाइएगा, एडिट रूट, एड रूट, यहां से आप डिफॉल्ट रूट सेलेक्ट कीजिएगा, इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना है, इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट योर IGW, सेव चेंजेस। क्लियर हुआ इतना? अब जो आपका प्राइवेट रूट टेबल है उसको चेक मार्क कीजिए, यहां पर रूट्स के अंदर नहीं जाना है,
क्योंकि रूट में डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री है वो तो हम लोग नहीं डालेंगे। केवल आप सबनेट एसोसिएशन पे जाइएगा एडिट और इस रूट टेबल को अपने प्राइवेट सबनेट के साथ एसोसिएट कर दीजिए। सक्सेसफुली क्लियर हुआ भाई इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों सबनेट में यहां तक हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और एक प्राइवेट सबनेट के अंदर इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। वापस जाइएगा, सब कुछ क्लीन है ना? सिक्योरिटी ग्रुप तो कैसे है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये कौन-कौन से यार, अच्छा एक वीपीसी का है, ठीक है ठीक है। इंस्टेंसेस लॉन्च, यहां से जरा मैं इंस्टेंस क्रिएट करता हूं अपना सर्वर 2012 के लिए ही। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो रखते हैं, एक सबनेट, एक वीपीसी, सॉरी एक इंस्टेंस क्रिएट करना है वीपीसी 1 में और सबनेट कौन सा लेना है, पब्लिक लेना है या प्राइवेट लेना है? देखो पब्लिक सबनेट भी आया हुआ है, प्राइवेट सबनेट भी आया हुआ है, दोनों सबनेट इसमें आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट करता हूं और पब्लिक सबनेट के अंदर अवेलेबल आईपी एड्रेस कितने हैं? 251। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ऑलवेज इनेबल होना चाहिए। एड स्टोरेज, स्टोरेज अटैच है, टैग नेम पब्लिक इंस्टेंस है ना, vpc vpc-1-public-instance। सिक्योरिटी ग्रुप, अब मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप मैं दोनों के लिए एक ही क्रिएट कर लूंगा, SG-1-VPC-1-Security Group। RDP मुझे चाहिए ही चाहिएगा, उसके बाद यार मेरे को HTTP भी चाहिएगा क्योंकि मेरे को एक बार इंटरनेट पे भी जाना है, HTTPS भी चाहिए हो सकता है, और मुझे पिंग कराने के लिए मुझे ICMP की भी जरूरत पड़ेगी, ऑल ICMP वर्जन 4। ठीक है, और ट्रैफिक भी चाहिएगा क्या मेरे को? और ट्रैफिक चलो चाहिएगा तो मैं तभी मॉडिफाई कर लूंगा इसको। रिव्यू लॉन्च EPR क्रिएट कर लेते हैं, VPC-1-E डाउनलोड करते हैं। प्रैक्टिस चल रही है या नहीं? यस चल रहा है। सुजीत भाई क्या स्टेटस है? नहीं कल वाला नहीं कर पाया, आज कर लूंगा दोनों नाइट। ओके कोई बात नहीं, चलिए जरा मैं दोबारा से एक इंस्टेंस और लॉन्च करता हूं, तब 2012 का ही T2 माइक्रो ही रखते हैं। अब वीपीसी 1 में और पब्लिक सबनेट में नहीं, प्राइवेट सबनेट में। अब एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट सबनेट के अंदर आप जो इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना उस पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल होना चाहिए, ताकि ये ओवर द इंटरनेट एक्सेस ना हो सके।
क्लियर है भाई? यस क्लियर है। एग्जिस्टिंग को ही मैं यूज करता हूं, ये वाला है चलो। रिव्यू लॉन्च एग्जिस्टिंग की पेयर भी लॉन्च करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये दोनों मशीन रेडी होती हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए जब जब तक ये प्राइवेट इंस्टेंस इनिशियलाइज होता है, तब तक मैं अपनी पब्लिक सबनेट की इंस्टेंस को एक्सेस करता हूं आरडीपी के द्वारा। गेट पासवर्ड ब्राउज कीजिएगा और कौन सी है यार, ये वन वाली होगी जो वन है ना, ये वाली ना। हाँ 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 लग मेरे को भी यही रहा है। चलो देख लेते हैं। नहीं 100% यही होगी। चलिए ठीक है भाई। डिक्रिप्ट पासवर्ड, कॉपी करो पासवर्ड, कनेक्ट पासवर्ड पेस्ट। हाँ धन्यवाद। उसको एक्सेस होने दीजिए। चलिए ये भी हमारी रेडी हो चुकी है प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको रेडी होने दीजिए। यहां पर आप जो हैं वो पब्लिक सबनेट की इंस्टेंस को एक्सेस कर चुके हो, ठीक है। अब अगर एक सेकेंड जरा, प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस देखो, प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस में मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल किया हुआ था, इसे पब्लिक आईपी असाइन नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट आईपी असाइन हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसके प्राइवेट आईपी को कॉपी कर लेता हूं। अब इसलिए मैंने आईसीएमपी यहां पर इनेबल किया था इसके सिक्योरिटी ग्रुप में, क्योंकि मुझे पिंग करके देखना था। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पब्लिक सबनेट की इंस्टेंस जो है ये प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस से मस्त तरीके से पिंग कर रही है। भाई इसका प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0.94, और ये हमारे प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस से कम्युनिकेट कर रही है, पिंग कर रही है।
ये रिप्लाई तब आएगा जब आपने सिक्योरिटी ग्रुप में आईसीएमपी को ऐड किया हुआ होगा, यानी कि अलाउ किया हुआ होगा। हम इस मशीन से अपनी प्राइवेट को तो एक्सेस कर सकते हैं ना, इस वाली मशीन से? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं करने वाला हूँ। अब देखो जरा, अब मैं क्या भाई, ये मैंने पब्लिक सबनेट इंस्टेंस एक्सेस की हुई है भाई, मैं डायरेक्ट उस पे तो नहीं जा सकता हूँ। प्राइवेट सबनेट इंस्टेंस को मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ कभी भी। अब अगर मैं यहां से आरडीपी ओपन करूं, एमएसटी एससी और उसका प्राइवेट आईपी इधर पेस्ट करूं, समझ रहे हो ना सुजीत भाई? ये समझ रहा हूँ। पब्लिक इंस्टेंस के द्वारा मैं प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस कर रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस कनेक्ट, बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर और पास, यार पासवर्ड मेरे को दोबारा से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। कनेक्ट आरडीपी, गेट पासवर्ड, ब्राउज, वन वाली की, ओपन, डिक्रिप्ट पासवर्ड, कॉपी कीजिएगा और वापस आप जो है अपनी इंस्टेंस पर चलिए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम हो गया, पासवर्ड ये हो गया, पर ओके कर दीजिए। यस, पर अब आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि कभी भी आप या कोई भी बंदा प्राइवेट सबनेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ये मैंने काफी बार आपको बताया भी था। देखो अब कैसे हुआ, मैंने इस इंस्टेंस के द्वारा यहीं से ही इसे हिट किया है। अब देखो, ये प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस एक्सेस हो गई है हमें इस इंस्टेंस के द्वारा। अब मैं चाहता हूं ये इंस्टेंस, यानी कि प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस, इंटरनेट को हिट कर सके। बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल है ही नहीं, ट्राई करते हैं जरा, क्या ये इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकती है? आप यहां पर देख सकते हैं, प्राइवेट आईपी ये है, इसे पब्लिक आईपी कोई भी असाइन नहीं है। अब अगर मैं यहां पर क्या नाम आपका, कविता, अगर आपको मालूम हो, एक हमारा डिफॉल्ट पब्लिक डीएनएस सर्वर होता है 8.8.8. something, ये देखो जरा क्या वो एक्सेस कर पा रहा है, पिंग कर पा रहे है? ये प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस क्या इंटरनेट पर रखे डीएनएस सर्वर को हिट कर पा रहा है? नहीं। या फिर ये प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस इंटरनेट को हिट कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। अब अगर बात करें, अगर आप हिट कराना चाहते हो इस इंस्टेंस पर, आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो अगर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक नेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, नेट गेटवे जो क्रिएट होगा वो पब्लिक सबनेट में क्रिएट होगा, लेकिन काम जो वो करेगा वो प्राइवेट सबनेट के लिए काम करेगा।
तो अब हम लोग नेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। अभी तक तो आपने नेट गेटवे नहीं क्रिएट किया है ना? नहीं। तो फिर भी वो पब्लिक टू प्राइवेट कैसे पिंग हो रहा था? इस राउटर के द्वारा। ओके ओके समझ गए। अभी तो हम लोग वीपीसी टू वीपीसी ही खेल रहे हैं, वीपीसी के अंदर ही खेल रहे हैं। अच्छा वो जो डिफॉल्ट राउट आपने क्रिएट किया उसकी वजह से हो रहा है ये पिंगिंग। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके क्लियर है ना अभी? हाँ हाँ समझ में है। चलिए अब चलिए सर्विसेज में वापस वीपीसी के अंदर चलते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, इंटरनेट गेटवे है क्या कहीं पर? देखना नेट गेटवे मिल रहा है क्या आपको? कहां पर है देखना यार, मिल गया एंड पॉइंट के नीचे। ठीक है तो नेट गेटवे को सेलेक्ट कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपके इस अकाउंट में कोई भी नेट गेटवे अवेलेबल नहीं है। अब कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके इसे बनाओ। ठीक है कान खोल के सुनना, नेट गेटवे जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेट गेटवे क्रिएट होते ही इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेट गेटवे क्रिएट करने के बाद जितना भी आप डेटा ट्रांसफर करोगे इस नेट गेटवे के द्वारा पर जीबी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसको क्रिएट करो, प्रैक्टिकल करो और डिलीट करो। तो ज्यादा देर नहीं रखना है इसको, फिर बोलोगे कि सर क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है मेरा। तो क्रिएट नेट गेटवे, यहां पर आप vpc-1-net-gateway किस सबनेट में क्रिएट करना चाहते हैं ये Public. आप यहां पर किसमें करोगे भाई? पब्लिक। ना ना क्यों पब्लिक में क्रिएट कराओगे? नेट गेटवे वहीं पे क्रिएट करते हैं ना, पब्लिक पे ही करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके पास में जितने भी सबनेट्स हैं वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन वीपीसी वन के अंदर मैंने केवल दो सबनेट क्रिएट किए हुए हैं, एक पब्लिक सबनेट एक प्राइवेट सबनेट। भाई जो आप ये नेट गेटवे क्रिएट करोगे प्राइवेट सबनेट में तो कभी भी आप नेट गेटवे क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट जो होगा ये पब्लिक सबनेट में क्रिएट होगा। सेलेक्ट योर पब्लिक सबनेट। अब देखो इस नेट गेटवे को किस पर्पस के लिए आप यूज करना चाहते हैं? पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। आईपी भी देना पड़ेगा पब्लिक, इलास्टिक आईपी भी देना पड़ेगा आपको। यहां पर अभी हमारे पास में कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं है, तो मैं एक इसे अलोकेट कर लेता हूं जो मैंने आपको बताया था कि भाई ऑन द स्पॉट इसकी बिलिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। यहां पर देखो ये इसको एक इलास्टिक आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है। देन क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर आपका सक्सेसफुली नेट गेटवे क्रिएट हो चुका है। हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा जरा इसके लिए, अभी ये पेंडिंग में आ रहा है।
नहीं चल रहा है, ये भी रिक्वेस्ट टाइम आउट है, कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ी देर में। आ जाए यार जल्दी से। चलो ऐसा करते हैं, जब तक ये इसका स्टेटस रनिंग में नहीं आता है, मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूं। देखो नेट गेटवे क्रिएट करने के बाद सुजीत भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रूट टेबल पे चलिएगा। ठीक है, रूट टेबल में जाने के बाद प्राइवेट रूट टेबल पे चेक मार्क करो। प्राइवेट रूट टेबल पे आपको चेक मार्क करना है, इसके बाद रूट्स पे जाइएगा। एडिट रूट, देन एड रूट, डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट रूट सेलेक्ट कीजिएगा। और यहां पर जो आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर आपको कभी भी इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट नहीं करना है, यहां पर आपको परफेक्ट। सेलेक्ट करना है नेट गेटवे। क्लियर है? यस और यहां से नेट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस रूट टेबल को पता चल सके कि भाई मुझे मेरा जो नेट गेटवे है वो कहां पर अवेलेबल है। सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा, सक्सेसफुली सेव हो गए सारे रूट्स। वापस आप नेट गेटवे पे जाइएगा और आप यहां पर इसका भी स्टेट देख सकते हो, ये भी अवेलेबल आ गया। अब वापस चलते हैं जरा इंस्टेंस, अब ये देखो जरा, कविता देख रहे हो, यस सर। ये जो हमारा प्राइवेट सबनेट का इंस्टेंस है, ये पब्लिक इंटरनेट पर जो हमारा पब्लिक डीएनएस सर्वर है उससे पिंग होना स्टार्ट हो गया, जो कि कुछ देर पहले, ये अगर आपको कुछ याद हो, कुछ देर पहले ये यहां पर रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, यानी कि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है, ये इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। अगर वहां से रिप्लाई आ रहा है, भाई ज्यादा ही कंफर्म करना चाहते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करो। अरे यार ये भी, ये आप देख सकते हो, देख रहे हो, यस आप यहां पर प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंसेस के अंदर भी, प्राइवेट सबनेट के अंदर भी आप देखो इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके पास में कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। कैसे? क्योंकि जब ये इंटरनेट को हिट कर रहा है ना, ये इंस्टेंस इंटरनेट को हिट कर रही है, तो इस इंस्टेंस का जो ये प्राइवेट आईपी है ये नेट गेटवे के पास जा रहा है। नेट गेटवे इस प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो पब्लिक आईपी पूरे इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है, ओवर द इंटरनेट ट्रेवल कर रहा है, रेस्पॉन्स पब्लिक आईपी लेके आ रहा है नेट गेटवे तक, फिर नेट गेटवे उस पब्लिक आईपी को वापस प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करके यहां पर रेस्पॉन्स आपको डिस्प्ले करा रहा है। देखा? तो जो हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, एक सेकेंड जरा, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि कभी भी कोई भी बंदा इंटरनेट के द्वारा, कभी भी कोई भी बंदा इंटरनेट के द्वारा प्राइवेट सबनेट को कभी भी हिट नहीं कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंसेस इस नेट गेटवे के द्वारा इंटरनेट को हिट कर सकती है और उसे जो भी काम करना है, जो भी डेटा एक्सेस करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, वो सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब यहां तक बताइए कविता, यहां तक देखो, मेरा ये प्रैक्टिकल यहां पर कंप्लीट होता है,
प्राइवेट सबनेट के अंदर इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, या प्राइवेट सबनेट की इंस्टेंस को आप इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पर लाइव आपको करके दिखाया है। अब यहां तक बताइए, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, सिर्फ जो प्राइवेट आईपी है ना, वो कौन से पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो रहा है वो समझ में आता है क्या? वो माय आईपी एड्रेस, अरे मम्मा, यार मैं अभी एक बार इसको बंद कर दूं, मैं खोपड़ी खराब की। ये रहा मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, किसने दिया है ये? अमेज़न ने, मुंबई ने, मुंबई सिटी है महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो मुंबई रीजन में काम कर रहा हूँ। देख रहे हो, ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, यानी कि इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को नेट गेटवे इस पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है। और बताइए, क्लियर सुजीत भाई? यस विशेष, क्लियर है। चलो बढ़िया है भैया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब क्लियर होगा अच्छी तरह। तो इतना टफ लगा नहीं है, बट करके देखेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, करीब एक मिनट का टाइम बाकी है, दोबारा से री लॉग इन कीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं अपने अकाउंट को क्लियर कर लेता हूँ, सब कुछ टर्मिनेट कर लेता हूँ।